हेलो बच्चों, विक स्पेशल क्लास फॉर नीट में आप सब लोगों का स्वागत। और आज हम शुरू करेंगे फिजिक्स का 11th का टॉपिक नंबर 3, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और हम लोग स्पेशल नीट पर फोकस, मतलब नीट के लिए जो फिजिक्स आपका होना चाहिए हम उसी फिजिक्स की बात करेंगे। और अगर आप ये लेक्चर कंटिन्यूसली वॉच करते हैं और सीरियसली पढ़ाई करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि हमारे इस लेक्चर में स्पेशल नीट पर फोकस क्वेश्चंस, नीट से, केवल नीट से रिलेटेड टॉपिक्स डिस्कस किए जाएंगे। उन टॉपिक्स को उतना ही डिस्कस किया जाएगा जिसमें आप नीट के क्वेश्चन को सोच सकेंगे। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन होगा आप उसको अटेम्प्ट करके आएंगे। तो आज हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, तो बच्चों सबसे पहले आप लोगों को कुछ बेसिक्स हम बताते हैं। जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा स्लोप, स्लोप शब्द जो है वो आपके इस चैप्टर में बहुत यूज होने वाला है। स्लोप का मतलब होता है इस तरह से ढलान, जिसको हम बोलते हैं। और मैथमेटिक्स में इस स्लोप को मेजर करने के लिए हमें इसका हाइट और इसका लेंथ पता होना चाहिए। तो जब हम इसका हाइट और लेंथ पता लगाएंगे तो ये स्लोप बेस से थीटा एंगल बनाएगा। और इसको लिखने के लिए हम यूज करेंगे टेन थीटा का, क्योंकि टेन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी होती है। और इस ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का मतलब होता है हाइट अपॉन बेस, मींस वाई अपॉन एक्स। तो जैसे जैसे हाइट आपकी बढ़ेगी, सपोज करो हाइट आपकी इतनी हो गई, तो आपका स्लोप और ज्यादा स्टीप हो जाएगा, मतलब स्लोप और बड़ा हो जाएगा और गहरा हो जाएगा। तो जब हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन की चर्चा करेंगे तो आपको हर कॉर्नर पर ये स्लोप वाली डेफिनेशन पढ़ना पड़ेगा, तो पहली बात। दूसरी बात, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा वेलोसिटी और स्पीड, मतलब वेग और चाल, वेग और चाल। अब इंग्लिश में हम थोड़ा सा यूज करेंगे वेलोसिटी एंड स्पीड। तो पहले बच्चों, वेलोसिटी या स्पीड बोथ आर एक्चुअली डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्प्लेस दोनों ही क्वांटिटी का मैथमेटिकल मीनिंग, उसका यूनिट तो एक जैसा होगा, मीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर सेकंड या व्हाटएवर आवर या जो भी आप एक्सप्रेस करना चाहे। परंतु बेसिक डिफरेंस दोनों में क्या है? तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है इसकी डायरेक्शन। तो यहां पर एक चीज और डिस्कस करेंगे हम, सबसे पहले वेक्टर एंड स्केलर। बहुत शॉर्ट में आप लोग समझे, फिजिक्स में वेक्टर और स्केलर ये दो शब्द फिजिक्स की क्वांटिटी में डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज में डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज में डायरेक्शन की आवश्यकता होती। एग्जाम्पल के लिए अगर आप फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स के लिए आपको ये बोलना पड़ेगा कि आप एक पुश या पुल किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। लेकिन जब आप वर्क करेंगे तो वर्क में डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती, वर्क का मेजरमेंट होता है। तो वर्क डायरेक्शन बेस्ड क्वांटिटी होती है फिजिक्स में, लेकिन जो फोर्स होती है वो डायरेक्शनल क्वांटिटी होती है। तो इस तरह से डायरेक्शन बेस्ड और डायरेक्शनल क्वांटिटी दोनों को हम फिजिक्स में वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, उसको वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। तो फोर्स हो गई हमारी डायरेक्शन वाली स्केलर क्वांटिटी और वर्क हमारा हो गया वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका मतलब हम फिजिकल क्वांटिटीज को डायरेक्शन के अकॉर्डिंग टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक वेक्टर और एक स्केलर। तो उसी बेसिस पर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है और स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है। मीन्स वेक्टर का मतलब भी मीटर अपॉन सेकंड, सॉरी वेलोसिटी का मतलब भी मीटर अपॉन सेकंड और स्पीड का मतलब भी मीटर पर सेकंड। फर्क सिर्फ इतना है
वेलोसिटी का फॉर्मूला आप देखेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और स्पीड का फॉर्मूला देखेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी और स्पीड होती है स्केलर क्वांटिटी। ओके, अब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? देखिए, आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गए और पॉइंट बी से रिटर्न पॉइंट ए पर आए। पॉइंट ए और बी के बीच में सपोज करो एक्स मीटर की गैप है, तो एक्स मीटर आप गए और एक्स मीटर आए, तो आपकी टोटल कवरिंग हो गई 2x मीटर, करेक्ट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट होता है गैप बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल गैप, मतलब ए से बी गए तो एक्स और बी से आए तो एक्स, टू एक्स हो गए। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के अंदर डेफिनेशन पे आप ध्यान दें, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का गैप, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो अब आप देखें, हम ए से बी गए और रिटर्न बी से ए पर आ गए, तो इनिशियल पॉइंट क्या रहा? ए। फाइनल पॉइंट क्या रहा? वही ए। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो गैप है वो जीरो हो गया। इसका मतलब सेम सिचुएशन सेम एक्टिविटी, लेकिन डिस्टेंस की बात करें तो 2x और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो जीरो, क्योंकि a टू a गैप जीरो। अब हम देखेंगे कि स्पीड में डिस्टेंस का यूज किया तो यहां स्पीड इक्वल टू हो गई 2x अपॉन टाइम t, व्हाटएवर जो भी टाइम में आप गए और आए वो हमने डिवाइड कर दिया, तो स्पीड हो गई 2x अपॉन t। लेकिन वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी होगी 0.t, इट मींस 0। तो प्यारे बच्चों क्या समझ में आया कि इस फिनोमिना पर, इस घटना में स्पीड तो है लेकिन वेलोसिटी जीरो होगी। बहुत सरल बहुत सिंपल सी चीज है। इस छोटे से कंसेप्ट का फिजिक्स के क्वेश्चंस में, इस चैप्टर के क्वेश्चन में बहुत स्मार्टली यूज होगा। बहुत सरल क्वेश्चन नीट में आते हैं, कैलकुलेशन सिर्फ 5 या 10 सेकंड का होता है, लेकिन उसके लॉजिक बड़े मस्त होते हैं, और सिर्फ लॉजिक हमको समझना है। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बहुत शॉर्ट में फोकस्ड स्टडी करेंगे, जो आपके लिए ईजी रहेगी, कंसेप्ट क्लियर करेगी और आप कैसा भी क्वेश्चन होगा सोच पाएंगे। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्लियर किया वेलोसिटी और स्पीड में छोटा सा डिफरेंस, और हमने उनके फार्मूलों को डिस्कस किया, डिस्टेंस का यूज और डिस्प्लेसमेंट का यूज हमने पढ़ा। एक और चीज जो आपके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है, सपोज करें कि किसी बंद कंटेनर में गैस भरी हुई, करेक्ट। अब क्या होगा कि गैस के मॉलिक्यूल रेंडमली चारों तरफ मूव करेंगे। तो सपोज करो कि एक मॉलिक्यूल इधर गया तो ठीक उसी समय दूसरा मॉलिक्यूल इधर गया, एक मॉलिक्यूल इधर गया तो ठीक उसी समय दूसरा मॉलिक्यूल इधर गया। चूंकि यहां पर दो चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, एक तो उस पूरे बॉक्स के अंदर जो गैस भरी हुई है उसकी एवरेज वेलोसिटी और उसकी एवरेज स्पीड। तो यहां पर एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड को डिस्कस करने के लिए हमको फिर से डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों हम फिर से समझते हैं, और बहुत खूबसूरत सा बहुत अच्छा सा रिलेशन निकाला, और ये जो क्वेश्चन के हम डिस्कस कर रहे हैं ये नीट में कई बार आ चुका है, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के बीच में रिलेशन। क्वेश्चन बहुत सरल है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है। तो देखिए एक और चीज पर हम डिस्कस करते हैं, अगर हम एक ग्राफ खींचते हैं एक्स वाई, तो आपने क्या पढ़ा हुआ है, ये है ओरिजिन, है ना, ओरिजिन, और इस डायरेक्शन को हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन को हम बोलते हैं निगेटिव एक्स डायरेक्शन। जहां डायरेक्शन की बात होगी तो पॉजिटिव निगेटिव ये दो शब्दों का बड़ा महत्व बढ़ जाता है। जाहिर है जैसे कि आप एग्जाम्पल लें, अगर आप सामने की ओर जा रहे हैं तो जो बंदा आपसे ठीक पीछे की ओर जा रहा है उसके लिए आप क्या शब्द का यूज करेंगे कि यह मेरे से विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है,
और अपोजिट शब्द को ही मैथमेटिक्स में जनरली हम माइनस से शो करते हैं। तो इसलिए हमारे पास दो इक्विवेलेंट डायरेक्शन है, इधर चले राइट साइड तो प्लस और उसी लाइन में लेफ्ट साइड चले तो माइनस, मतलब ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है। इस कोऑर्डिनेट एक्सिस की दो डायरेक्शन प्लस और माइनस, ऐसे ही वाई डायरेक्शन की बात करें तो वाई प्लस और वाई माइनस, मतलब यहाँ प्लस और माइनस। अब आप सोचिए, आप सोचिए कोई मॉलिक्यूल यहां से यहां तक पहुंचा, बहुत सारे मॉलिक्यूल है और रैंडमली मूव कर रहे हैं बिना किसी रोक टोक के, अपनी मर्जी से चारों दिशा में मूव कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि हर दिशा में मॉलिक्यूल से। अब एक मॉलिक्यूल जस्ट वाई की माइनस डायरेक्शन में जा रहा है, हो सकता है एक मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, तो निश्चित रूप से एक मॉलिक्यूल इधर भी जा रहा है। अब आप देखेंगे कि इधर जाकर के मॉलिक्यूल का सपोज करो ये एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वेलोसिटी हो गई एक्स अपॉन टी, अभी अपन ने पढ़ा था थोड़ी देर, इसकी वेलोसिटी हो गई माइनस एक्स अपॉन टी क्योंकि ये माइनस डायरेक्शन है, इसकी वेलोसिटी वाई अपॉन टी है तो इसकी वेलोसिटी जस्ट माइनस वाई अपॉन टी। जब आप इन चारों पार्टिकल्स की वेलोसिटी को प्लस अप करेंगे, सम अप करेंगे तो एक्स अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन टी प्लस वाई अपॉन टी माइनस वाई अपॉन टी, और देखेंगे इन चारों वेलोसिटीज को प्लस किया तो टोटल हुआ जीरो। इट मींस इस कंटेनर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सब की एवरेज वेलोसिटी जीरो, एवरेज स्पीड जीरो नहीं होगी क्योंकि एवरेज स्पीड में प्लस माइनस डिस्प्लेसमेंट का कोई रोल नहीं, वहां तो जितने गैप जिसने कवर किए उन सब का प्लस कर देंगे और उसके बाद में टोटल टाइम का डिवाइड कर देंगे तो एवरेज स्पीड आ जाएगी। अच्छा एक और बात आपको बता दें, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी व्हाटएवर जो हम आपको बता रहे हैं उसमें जो शब्द एवरेज आ रहा है ये आपने टेंथ में पढ़ा हुआ है स्टैटिस्टिक्स में, उसमें शब्द आया हुआ है एवरेज, पूरा मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है उसके अंदर एवरेज निकालने की मेथड दी हुई है। एवरेज का एक सिंपल सा फार्मूला होता है कि एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा, और इसमें आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि आपने क्वेश्चंस पढ़े हैं कि किसी क्लास के अंदर 10 बच्चे हैं और 10 बच्चों की एज अलग अलग दे रखी है और पूछा गया है कि इस क्लास की एवरेज एज क्या है, तो आपने क्या करा था, वो 10 बच्चों की एज को प्लस किया था, उसमें आपने 10 का डिवाइड किया था और जो आया था वो एवरेज आ गया, वही एवरेज वैसा ही मेथड आपको यहाँ पढ़ना है। यहाँ फर्क ये है कि आप पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी और वहां पर था एवरेज एज या एवरेज ईयर्स या एवरेज वेट और व्हाटएवर। चलिए तो हमने एक एग्जांपल लिया कि एक बंद कंटेनर में गैस रखी है तो उस गैस की एवरेज वेलोसिटी जीरो है, एवरेज स्पीड होगी, करेक्ट। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, हमने वेक्टर क्वांटिटी पढ़ी, वेक्टर क्वांटिटी में हमने ये पढ़ा कि जिस फिजिकल क्वांटिटी के लिए डायरेक्शन कंपलसरी है और डायरेक्शन से उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जाता है वो फिजिकल क्वांटिटी होती रहता, जिस क्वांटिटी में डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती वो क्वांटिटी होती है स्केलर। फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटीज है, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा हम आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे, इस चैप्टर में हमारे पास मेनली वेलोसिटी और स्पीड दो शब्द हमको यूज करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है ग्राफ। इस चैप्टर में ग्राफ बहुत सारे आते हैं, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं और ग्राफ से रिलेटेड जनरल नॉलेज और कंसेप्ट वो भी आने वाले नए फिजिक्स के चैप्टर्स में यूज आते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ओके। चलिए देखिए हम कोशिश करते हैं, आपने अर्लियर क्लासेस में ग्राफ बनाना सीखा होगा। ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास दो वेरिएबल चाहिए होते हैं, वो दोनों वेरिएबल एक्स और वाई एक्सिस को हम सपोज करते हैं। अगर हम थ्री डायमेंशनल क्वांटिटी की बात करेंगे तो हमको तीन वेरिएबल लगेंगे और तीन डायरेक्शंस लगेंगे। हमारा अभी चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इट मीन्स हम एक लाइन में चलेंगे और लाइन में चलने के लिए हमको सिर्फ दो डायरेक्शंस चाहिए, एक्स या एक्स वाई या वाई जेड या जेड एक्स। तो अभी हम बात करेंगे एक्स वाई प्लेन के अंदर ग्राफ को कैसे बनाएंगे। अब आप देखिए हमने बात की डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ,
तो हमेशा फिजिक्स में एक्स एक्सिस पर टाइम दिया जाता है और वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट दिया जाता है। ओके, चलिए हम किसी एक सिचुएशन पे बात करते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है, कोई सी भी कार, स्कूटर, आप, कोई पार्टिकल, व्हाटएवर जो भी है। तो एक बॉडी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही है और वो बॉडी फर्स्ट सेकंड में एक मीटर चलती है, करेक्ट। यही बॉडी अगले फिर एक सेकंड में वापस से फिर एक मीटर चलती है। तो इस तरह से ये बॉडी कंटिन्यूअस हर एक सेकंड में एक एक मीटर ट्रेवल करती है। तो हम हर एक सेकंड में एक एक मीटर के ऊपर पॉइंट बनाए। तो पहला पॉइंट हमारा यहां बनता है, दूसरा पॉइंट हम बनाएंगे तो यहां बनेगा, तीसरा पॉइंट हम देखेंगे तो यहां बनेगा, और जब इसको हम कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। क्या आ गई? स्ट्रेट लाइन आ गई। अब यहां कितनी बातों का हमको नॉलेज होना चाहिए, कितनी बातें हमारी समझ में आएंगी। पहला, जब टाइम और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक जैसे मूवमेंट कर रहे हो, एक जैसे चेंज हो रहे हो, तो हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल टू टाइम। पहली बात। दूसरी बात, अभी हमने आपको कुछ देर पहले बताई थी, अगर हम इसका स्लोप निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? हमारा ग्राफ या हमारी ये ग्राफ एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है, तो हम एक पर्टिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये लाइन किसके पैरेलल हो जाएगी? वाई एक्सिस के। इट इज ये लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। हमने टेंथ में थ्योरम्स पढ़ी है, थ्योरम्स में हमने प्रूव किया है कैसे करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स को हम कंपेयर करते थे और किस तरह से हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर हमने डिस्कस की थी। उसी कंसेप्ट के अंदर आपको पता होगा कि ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है। अब हम अगर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहे हैं तो ये लाइन भी डिस्प्लेसमेंट को शो करेगी। तो ये लाइन डिस्प्लेसमेंट होगी, ये लाइन टाइम होगी। और अभी हमने डिस्कस की थी लेक्चर के फर्स्ट में कि स्लोप का मतलब होता है लेंथ वर्सेस बेस, मतलब लेंथ इक्वल टू लेंथ मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। अब आपको अच्छी तरह पता है, एक फार्मूला और लिखा था हमने, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इक्वल टू वेलोसिटी। तो हम लिखेंगे वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब आप देखिए आपको यहां पर क्या समझ में आ रहा है, मैथमेटिक्स का फंडा है। इस चीज को आप अच्छी तरह समझ लो, इस कंसेप्ट को आप अच्छी तरह दिमाग में रखो, ये एंटायर फिजिक्स में यूज होगा। और वो कंसेप्ट है इक्विवेलेंसी। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो उसका राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, अगर किसी इक्वेशन का राइट हैंड साइड इक्वल है तो उसका लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होता है। जैसे कि आपने देखा इसका जो राइट हैंड साइड है डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम दोनों इक्वेशन का सेम है, राइट? आ रहा है समझ में? दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड सेम है तो इन दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा, मतलब tan थीटा इक्वल टू होगा वेलोसिटी। तो स्लोप के कंसेप्ट का पहला यूज कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाया जाए तो इस ग्राफ के स्लोप का वैल्यू वेलोसिटी के बराबर होता है। तो तीसरी बात हमारे पास समझ आ गई कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज इक्वल टू वेलोसिटी। क्लियर? तो प्यारे बच्चों, इस पे भी क्वेश्चन नीट में आ जाते हैं, सिंपल से क्वेश्चन आ जाते हैं कि व्हाट द स्लोप रिप्रेजेंट इन द फॉलोइंग ग्राफ। तो आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप आंसर लगा के आएंगे। चलिए, तो अब हमारे पास इतनी बातें, तीन बातें तो हमको इस ग्राफ से पता लगती है, एक और बात हम पता लगा सकते हैं फोर्थ, कि अगर डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल टू टाइम है तो ग्राफ इज ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। मतलब यह हुआ कि इफ एक्स प्रोपोर्शनल टू वाई देन ग्राफ ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। तो पहले बच्चों एक और चीज आपको एडिशनल हम बता देते हैं,
जो कि नीट में बहुत यूजफुल है, बहुत सारी जगह काम आएगी, वो ये कि हमने बात करी स्ट्रेट लाइन की, हमने बात करी मैथमेटिक्स रिलेशन की, तो क्या हमारे पास और ऐसी कोई मैथमेटिकल रिलेशन है जिसको देखकर हम बता सकें कि इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा या किस तरह से होगा। तो हम अभी आपसे स्ट्रेट लाइन के ग्राफ के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो हमने देखा कि हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमारी सिचुएशन पर स्ट्रेट लाइन प्राप्त हुआ। तो अब यहां पर एक क्वेश्चन और हमारे सामने आता है कि क्या और भी ऐसे ग्राफ है जो हम इक्वेशन देखकर प्लॉट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स के अंदर ग्राफ और उससे रिलेटेड इक्वेशंस होती है। अब हम यहां पर सबसे पहले स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो टेंथ में आपने पढ़ा हुआ है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक ही वाली इक्वेशन आपने टेंथ में पढ़ी है, दूसरी इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स। तो चलिए हम देखते हैं इन इक्वेशंस का क्या यूज है और कैसे हम ग्राफ डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले फिजिक्स की एक बहुत स्पेशल एक्टिविटी है y प्रोपोर्शनल टू x, हमने लिख दिया y प्रोपोर्शनल टू x, और अगर प्रोपोर्शनल हटाया तो यहां हमने लिख दिया कांस्टेंट। अब आपको पता होगा कांस्टेंट क्या होता है, मतलब ऐसा नंबर जो किसी भी कंडीशन में नहीं बदले, वो फिक्स रहे, वो नॉन चेंजेबल रहे, हम उसको मैथ्स में बोलते हैं कांस्टेंट। तो आपका जो ये रिलेशन है इसमें जो m है ये m कांस्टेंट होता है, तो हम इसको इस तरह से शो कर सकते हैं मैथमेटिक्स। और इसके बाद जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो हमेशा कांस्टेंट लगाते हैं। पूरे फिजिक्स के अंदर आप इस एक्टिविटी को ऑब्जर्व करोगे और ये एक्टिविटी आपको सीखना पड़ेगी, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो y इक्वल टू कांस्टेंट इनटू x और कांस्टेंट हमारे पास है, करेक्ट। ये हो गया इस इक्वेशन का इंट्रोडक्शन। अब हम इस इक्वेशन को का ग्राफ प्लॉट करते हैं। आपने देखा होगा टेंथ क्लास में कि जब कोई इक्वेशन दी होती है तो ग्राफ कैसे बनाया जाता है, हम x और y की वैल्यूज अलग अलग रखते हैं और ग्राफ बनाते हैं। तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, सपोज करें आप x इक्वल टू आप जीरो रख दें तो y इक्वल टू जीरो, तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या होगा, जीरो जीरो, ओके आपको आता है ये, ओके। इसके बाद x इक्वल टू आप रख दो वन तो y इक्वल टू भी क्या हो गया वन, तो सेकंड पॉइंट हमारे पास हो गया x वन y वन। सॉरी इस इक्वेशन की बात करें, हाँ हम इस इक्वेशन की बात करें तो x इक्वल टू वन रखेंगे तो y इक्वल टू भी वन हो जाएगा, तो हमारे पास दूसरा पॉइंट हो जाएगा वन वन यहां। चलिए x इक्वल टू आप टू रख लें तो y इक्वल टू भी टू हो जाएगा, तो यहां पर ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये यहां पर x टू यहां y टू, तो ये हो गया टू। जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब आप देखिए ये लाइन y एक्सिस को हम यहां पर प्लॉट करते हैं इसके पैरेलल और x एक्सिस ये होगी, तो ये लाइन इतनी ऊंची 2 यूनिट शो करती है और ये इतनी लंबी 2 यूनिट शो करती है, ओके। जब हम इसका स्लोप निकालेंगे m, तो हमने आपको बताया था स्लोप क्या होता है, y अपन x या हाइट अपन बेस 2/2, मतलब इसका स्लोप क्या हुआ 1 हुआ। अब इस इक्वेशन इस ग्राफ को का जनरल इक्वेशन हम इस तरह से शो करते हैं y इक्वल टू mx, तो जब आपके पास इस तरह का फॉर्मेट हो इक्वेशन का तो आपकी जो ग्राफ है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन रहेगी और कहां से जाएगी, ओरिजिन से जाएगी। अब इसी ग्राफ का दूसरा फॉर्मेट या दूसरी इक्वेशन इसकी y इक्वल टू mx प्लस, क्या क्या जानकारी मिल रही है, हमारी इक्वेशन या हमारा ये जो इक्वेशन है वो y और x प्लेन पर है, दूसरा हमारी इक्वेशन का जो स्लोप है वो n है, और थर्ड हमारी इक्वेशन ये वाली इक्वेशन 0-0 से जा रही थी लेकिन हमारी इक्वेशन 0-0 से नहीं जाएगी, वो y एक्सिस पर
सी इंटरसेप्टर क्रॉस करेगी इस तरह से, ये आपकी लाइन यहां से गुजरी, ये वाई एक्सिस पर काटा हुआ इंटरसेप्टर सी है ये वाला। और अगर आप इस तरह से एक पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनाएंगे तो ये वाला जो एंगल है वो एम होगा ये वाला। तो प्यारे बच्चों इससे ज्यादा डिटेल हमें पढ़ना नहीं है, जब भी आपके पास केमिस्ट्री के किसी क्वेश्चन में या फिजिक्स के किसी क्वेश्चन में इस तरह का फॉर्मेट आता है तो इस फॉर्मेट के लिए आप इस तरह का ग्राफ प्लॉट करेंगे, उसके अंदर इस ग्राफ का स्लोप या तो पूछा जाएगा या आपसे पूछा जाएगा इंटरसेक्ट कटिंग ऑन वाई एक्सिस, राइट। तो आप इस तरह का प्लॉट करके आप ये वाई एक्सिस पर कटा हुआ इंटरसेप्ट और एक्स एक्सिस से बनाया हुआ स्लोप दोनों को आप मेजर कर सकते हैं। और देखिए 3 = 2x + 1 हमने आप इस इक्वेशन में 3 = 3y = 2x + 1 हमने यहां पर न्यूमेरिकल से डाल दिए। तो इस इक्वेशन को अगर इस पर प्लॉट करेंगे तब भी ऐसे ग्राफ आएगा, लेकिन यहां से यहां तक ये बीच की डिस्टेंस 1 होगी, ये सॉरी अपन हम क्या करेंगे पहले इसको इस फॉर्मेट में लेकर आएंगे, सॉरी ये 1 नहीं होगी, हम पहले इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लाएंगे y = 2/3 x + 1/3। देखिए आप हमने 3 का दोनों तरफ डिवाइड कर दिया तो अब क्या हुआ, यहाँ y अनोन हो गया, यहाँ हो गया 2/3, यहाँ हो गया 1/3। इसको इससे कंपेयर करो, कंपेयर करने पर आपको क्या मिलता है, c के स्थान पर प्लेस पर 1/3 है, x के साथ m के स्थान पर 2/3 है। तो जब हम इसका ग्राफ इसी तरह से प्लॉट करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे 1/3 और इस लाइन को ड्रॉ करके यहां जो एम है वो होगा 2/3। तो प्यारे बच्चों इस तरह से हम इस इक्वेशन को देखकर इसका ग्राफ इस तरह बना सकते हैं। ये जो कंसेप्ट है ये आपको बहुत काम आने वाला है, हम बताएंगे आपको बहुत सारे इक्वेशंस में इस कंसेप्ट की याद दिलाएंगे, आप इस कंसेप्ट को दिमाग में अच्छी तरह बिठा लें और जितना आज हमने पढ़ा है इसको थोड़ा सा रिवाइज करें। कल हम पूरे 30 मिनट का लेक्चर देंगे, उस 30 मिनट के लेक्चर में इस चैप्टर के और कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे और कुछ और ग्राफ्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, और इसके बाद फिर हम कुछ न्यूमेरिकल्स के जरिए जितने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसको हम अंडरस्टैंड होंगे, वही न्यूमेरिकल वही पैटर्न जो जनरली नीट के एग्जाम में 99% पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना काफी, आप इसका रिवीजन करें और अगर आपको कोई डाउट आता है अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करके आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बस ये समझ लीजिए कि अगर आप कंटिन्यूस हमको फॉलो करते हैं तो आप नीट में निश्चित रूप से सफल होंगे। आप हमारे केमिस्ट्री के वीडियो भी देखना ना भूलें, आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन एग्जैक्ट पॉइंट्स एग्जैक्ट कंसेप्ट पढ़ने को मिलेंगे। ज्यादा समय वेस्ट न करते हुए ज्यादा समय न लेते हुए बहुत शॉर्ट में हम आपको कंसेप्टेड कंसेप्ट देंगे जिसके थ्रू आप नीट में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। ओके, खूब अच्छी पढ़ाई कीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए और बस ये सोचिए कि आप सफल होंगे, सफलता आपको मिलेगी। गुड बाय।